किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। ये नव भारत की संरचना है जिसमें भारत की कृषि को और अधिक विकसित करना है। विकास के इस मॉडल में प्रकृति का भी पोषण करना है और भारत के पारंपरिक कृषि मूल्यों को भी संवर्धित करना है जिसमें अध्यात्म का समावेश भी है क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का देश है। यही वो भाव है जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाता विशेष है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, भारत में कृषि का विचार हर किसी को जोड़ता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हर एक किसान है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आज अपने इस खास अंक में हम बात करेंगे कृषि को लेकर, लेकिन इस कृषि को और कैसे उन्नत बनाया जाए और खास तौर से कृषि को लेकर एक अभिनव प्रयोग हो रहा है इस देश में और वो प्रयोग हो रहा है राजस्थान के माउंट आबू में तपोवन में। ये कहानी एक सफल प्रयोग की है, ये कहानी एक सफल संयोग की है, ये कहानी योग से जुड़ती है, ये कहानी उन्नत कृषि की बात कहती है। कुछ सालों पहले जहां उजाड़ जंगल था वहां आज मुस्कुराती हुई खेती दिखती है। ये जगह माउंट आबू के तपोवन की है जहां शाश्वत यौगिक और जैविक खेती खुद अपनी कहानी कहती है। ये एक सूखे घास का जंगल था जब मैं यहाँ आया था। पूरे तपोवन में कटीली झाड़ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे इस तपोवन को 15 साल के अंदर 16,000 पौधे लगाए हैं, जड़ी बूटी, फल फूल, छायादार, सीजन की यहाँ सभी सब्जियाँ लगाते हैं। जो राजस्थान में संभव नहीं है वो भी यहाँ संभव किया गया, जैसे कि अंगूर राजस्थान में कहीं नहीं होता है। यहाँ काला और हरा दोनों तरह के अच्छी क्वालिटी के अंगूर होता है। संतरा, मौसमी, अनार, चीकू, काजू, खजूर लगाया है दुबई का, 230 पौधे। 7 साल हुआ है लेकिन 5 साल से उसमें आ रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ होती हैं और वो सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ जो हम खेती करते हैं शुरू से जैविक और यौगिक, यौगिक अर्थात आध्यात्मिक खेती, जो परंपरा से शाश्वत यौगिक खेती जो चलते आ रहा है। यौगिक अर्थात जो हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ परमात्मा को याद करते हैं, वो जो हमें एनर्जी मिलती है उसका प्रयोग हम करते हैं पेड़ पौधे सब्जियों पर, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दरअसल जब भी हम भारत भूमि का जिक्र करते हैं तो भारत भूमि की धरा इसलिए हमेशा याद की जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग होते रहते हैं। प्रयोग भौतिकवादी जगत के विकास के लिए नहीं बल्कि प्रयोग आध्यात्मिक जगत के विकास के लिए। और जब हम आध्यात्मिक जगत के विकास की बात हम कर रहे हैं तो उसमें व्यक्ति का उन्नयन भी शामिल है। कैसे उसका मन मस्तिष्क अच्छा हो, कैसे उसकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक सोच के साथ वो समाज के लिए काम करे। और इस सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि वो जो अन्न खा रहा है वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हो। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं माउंट आबू में, ये तपोवन है और तपोवन के एक जगह पर मैं मौजूद हूं जिसको साइलेंस जोन कहा गया है। क्या है ये साइलेंस जोन, यहां पर कैसे पौधे हैं, किस तरह से पौधे यहां पर उगाए जा रहे हैं? हमारे साथ इस समय बीके कोमल भाई मौजूद हैं और बीके कोमल भाई जरूर हमें इस बात के बारे में जानकारी देंगे कि जिस जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, कोमल भाई ये जगह किस तरीके के, इसके बारे में बताएं हमको आप।
देखिए ये तकरीबन 10 बीघे में है जी, और इसको साइलेंस जोन कहते हैं। साइलेंस जोन मतलब यहाँ पे कोई भी शोर शराबा वाली चीज़ें नहीं है या कोई हल्ला हपार नहीं है। यहाँ पे आदमी पेड़ों के बीच में, प्रकृति के बीच में आके बैठ के और अपने अंतर्मन में जाता है और यहाँ के प्रकृति का अपने आप को स्पिरिचुअली हील करता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह की क्रिमिनलिटी नहीं है, और जो कोई आता है तो अपने खुद को मेडिटेट करता है, अपने आप को अंदर से हील करता है, अपने को सुप्रीम बींग से कनेक्ट करता है, अपने वैल्यूज को डेवलप करने का जो चिंतन करता है, तो उससे जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बहुत पीसफुल होता है। तो जब आदमी कहीं भी किसी दशा में थोड़ा सा टेंशन में हो या तनाव में हो, ऐसे में जब वो आके यहाँ बैठता है तो उसको बिल्कुल एक अलग अनुभूति होती है, रिलैक्स। ये कोई कल्पना नहीं कि पौधे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी क्रिया पर वो अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं। ये सिद्ध वैज्ञानिक एक तथ्य है कि वो हमारी मोहब्बत और सकारात्मक भाव का सूद समेत हमें वापस लौटाते हैं, बशर्ते जब हम उनका दिल से आभार जताते हैं। जैसे आप सभी समझते हैं कि प्लांट्स हमारे वाइब्रेशन रिसीव करते हैं और हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम इसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक अच्छी प्रयोगशाला यहाँ पर एक तरीके से जैसे तैयार की है, हम इसके ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं। किसान के खेत में जब ये फसल 3 महीने 4 महीने जब लगी हुई होती है, तो अगर वो किसान की मनोअवस्था कैसी है उसका प्लांट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसान दुखी है, किसान अगर चिंतित है, तो उसके अवस्था का भी प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर पड़ता है और हमें वैसा फल और वैसे अनाज की उत्पत्ति होती है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में तनाव, चिंता, ग्रस्त ये सब बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका मूलतः मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारा किसान जब चिंतित होकर के जो अनाज उत्पत्ति कर रहा है, ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर ये एक प्रयोग चल रहा है, एक सकारात्मक प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जो शायद आपको भी अचरज में डाल देगा। एक तरफ जहाँ पेड़ पौधों को उगाने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, जमीन चाहिए, यहाँ तक कि लोग ज़्यादा उपज के उपजाने के चक्कर में वहाँ पर केमिकल युक्त फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उन सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रयोग चल रहा है, प्रयोग योग का, प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा का, प्रयोग सकारात्मक सोच का। तपोवन के इस बीच, इस जगह में, इस 90 बीघा के इस पूरे तपोवन में बीच, इस जगह पर योग का केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और इस ध्यान के फलस्वरूप जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से यहाँ पे पौधे जो हैं उनके ऊपर सकारात्मक परिणाम भी नजर आते हैं। और इसी प्रयोग का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूँ। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको समाज के अन्य जगहों पर, देश के अन्य इलाकों पर भी कम से कम लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम पौधों से प्रेम करेंगे तो पौधे हमसे प्रेम करेंगे। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूव्ड फैक्ट है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये हम लोगों को बताया जा चुका है कि पौधों में, वृक्षों में संवेदना होती है, जीवन होता है, और जहाँ जीवन होता है वहाँ पर भावनाएं भी होती हैं। तो हमें उनको समझना चाहिए, और जब हम उनको समझेंगे तो वो हमें समझेंगे, और कम से कम इस तपोवन में इन्हीं पौधों को समझने के लिए ये योग किया जा रहा है। शाश्वत मैंने प्राचीन, योग मैंने परमात्मा की याद में, जो हम मतलब खेती करते हैं उसको शक्ति देते हैं पौधों को, तो वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक प्रकृति से जो प्यार करना चाहिए हर किसान को, कि हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि जब हमारे किसान भाई थे, कोई भी कार्य करते थे तो सदैव वो परमात्मा की याद में करते थे। सबसे पहले वो परमात्मा को याद करते थे, फिर कार्य शुरू करते थे। तो आज वही हमने यहाँ पर देखा है इस तपोवन के आंगन में, जिला सिरोही राजस्थान स्टेट है ये, और राबू रोड के तपोवन में। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, मिठास मुंह में घुले तो स्वाद, दिलों में घुले तो प्यार, मौसम में घुले तो बहार बन जाती है। वाकई कितनी अच्छी बात कही गई है।
और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातों का ही तो प्रयोग यहाँ तपोवन में हमें दिख रहा है। कई और भी प्रयोग हैं, अलग तरह से हैं। वो इसलिए कि जो हमारी वनस्पति है, जो हमारे खेत में लहलाते हुए पौधे हैं, जो अनाज हम पैदा करते हैं, उसके ऊपर अगर सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे मन मस्तिष्क का किस तरीके से निर्माण करते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं लगातार हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और खास बातें इस तपोवन की। जिस तरीके से मैं यहाँ पर इस पौधे की कटाई और छटाई कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। ऐसे ही हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने, इस समाज के, सभ्य समाज के हिस्सा बने और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। ब्रेक के बाद एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। दरअसल जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्रकृति हमसे भी प्रेम करती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम अपने बच्चों से स्नेह करते हैं। और इस पूरे के पूरे अगर हम तपोवन को देखें तो यहाँ पर वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को उगाने का तरीका जैविक है। इन्हें खाद और पानी दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन और सकारात्मक सोच भी दी जाती है। अन्य पूरे प्रदेश में अन्य अलग जो क्षेत्र हैं उसमें पानी भले ही हो, लेकिन यहाँ पर पानी अपेक्षाकृत कम है, बावजूद इसके यहाँ पर पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इन पौधों को सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में, मेडिटेशन के साथ में इनको बड़ा किया जा रहा है। कुछ और बातें हम आपको जरूर बताएंगे इस तपोवन के बारे में। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान के सिरोही जिलों में मौजूद ब्रह्म कुमारीज का ये तपोवन अनेक सफल कहानियों को अपने आप में समेटे हुए है। एक तरफ प्रकृति से प्रेम, शाश्वत यौगिक खेती, जल संरक्षण और इसके साथ साथ देश भर की तमाम जैव विविधता के दर्शन भी यहाँ होते हैं, और दूसरी तरफ तमाम ऐसे फल भी पाए जाते हैं जो शीत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो फल यहाँ पर भी उगाए जाते हैं। अनेक मौसमी सब्जियों के साथ साथ सेब, मौसमी, संतरा, केला, पपीता सहित संपूर्ण भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश वनस्पतियों के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की फल और सब्जियाँ ली जाती है, जबकि यहाँ के हमारे आसपास के एरिया में केवल कपास, एरंडी, सौंफ इस तरीके के ही क्रॉप लिए जाते हैं। लेकिन जब किसान जब यहाँ पर आते हैं कि इस भूमि में भी हर प्रकार की फसल हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है, उसके स्वाद में भी बहुत अंतर है जो बाहर मार्केट की फल सब्जियाँ हैं और उसके कंपैरिजन में यहाँ की फल सब्जियों में बहुत स्वाद की मायने में भी और न्यूट्रिशन के मायने में भी बहुत अंतर महसूस होता है। राजस्थान में ऐसा है कि 45-48 टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, फिर भी जो है हम यहाँ तपोवन में खास देखते हैं कि फल फूल जो कि राजस्थान में अंगूर कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है तपोवन में अंगूर जो है बहुत अच्छा निकलता है। अंगूर, संतरा, सेब, मौसमी, ये सब जो है बहुत सारे, अंजीर, चीकू, ये सब फल जो है बहुत सारे निकलते हैं। क्योंकि ये सब जो सेब जो है ठंडी का मौसम का है, लेकिन यहाँ पर जो है गर्म होते हुए भी और सेब निकलता है, बहुत अच्छे सेब निकलते हैं। लेकिन ये खास योग के कारण से हम सब जो है परमात्मा याद में जो रहते हैं, हम सब यौगिक खेती करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक यौगिक खेती ज़्यादा यूज करते हैं। वैसे आम तौर पर जो है वो अंगूर के पौधों के लिए कैसा क्लाइमेट कैसा चाहिए रहता है? अंगूर क्लाइमेट से तो वो 40 के अंदर चाहिए। 40 के नीचे होना चाहिए, 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो टेम्परेचर 45 हो जाता है लगभग। वही है जो गोबर खाद डालना है ना, उसके ऊपर पानी डाल देता है। अच्छा, ठंडक बन जाती है।
इस पूरे तपोवन में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल रही। एक तो ये कि ड्रिप इरिगेशन, राजस्थान में पानी की समस्या बहुत है और ऐसे पानी की समस्या में जहाँ पे पीने के लिए दिक्कत होती हो वहाँ पर पौधों के लिए, तो हम देख सकते हैं ये ड्रिप इरिगेशन है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये पानी यहाँ पर देख रहे हैं गीला है यहाँ पर। इसके बगल में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये दो पौधों के बीच में यहाँ पर ड्रिप लगाया गया है और यहाँ पर भी ड्रिप है, यानी कि ये जो खाद डाली गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है वहाँ पर ये पानी डाला गया है। पूरे के पूरे इलाके में तपोवन में ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर पूरा ड्रिप इरिगेशन है। यहाँ पर तमाम जो दर्शक इस समय हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि समय बदल रहा है, बदलते हुए समय में हमें कृषि में एक आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन की बात हो, हम जब केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये भले ही हो कि हरित क्रांति हुई हो, लेकिन ये भी सच है कि कृषि यानी कि हमारी ज़मीन की, हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर हुई है, ज़मीन जो है वो कठोर हुई है। जब हम प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करते हैं, जब प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए ये जो प्राकृतिक खाद है इससे जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन उर्वरा भी रहती है, मुलायम भी रहती है और इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती जाती है, जो कि पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में ख़त्म सी हो गई थी। तो हमारे किसान भाइयों को ये ज़रूर अब सीखना होगा कि उन्हें प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें कहने के लिए करनी है, बल्कि आगे आने वाली नस्लों के लिए, अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, और जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारी पारंपरिक खेती थी, हमें उसी ओर जाना चाहिए, क्योंकि भारत का मौसम, भारत का वातावरण और भारत की खेती के जो तरीके थे वो भारत के लिए थे। यूरोपियन कंट्रीज़ का वातावरण भारत के वातावरण के मुताबिक नहीं है और इसलिए आप तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की खेती भारत की पारंपरिक दृष्टिकोण से ही होगी, जो कि देश के कई किसान अब अपनाने भी लगे हैं। और जैसा इस तपोवन में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमें ये साक्षात परिणाम नजर आ रहे हैं। जो अंगूर नासिक में उतना पैदा नहीं हो रहा है जितना यहाँ पर रामनाथ भाई अपने प्रयासों से यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। सिर्फ अंगूर की बात क्यों करें, बहुत सारे और सब्जियाँ, बहुत सारे और फल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो ये प्रयोग चल रहा है और इस प्रयोग के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है इस तपोवन में। एक जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रेखांकित करना जरूरी है कि जब पौधों में जीवन है तो फिर हम जहरीले रसायनों का प्रयोग उन पौधों पर क्यों करते हैं और ऐसा करना कहाँ तक उचित है। जब पेड़ पौधे वृक्ष तमाम वनस्पति हमारे संतानों की तरह है या हमारे पूर्वजों की तरह है तो फिर उनको जहर देने का फैसला हम कैसे करते हैं? आखिरकार ये कैसा है हम सबका मन? ये विचार और ये भाव हमारे अतीत की धरोहर है और हमारा भविष्य भी। हमारी खेती सेहतमंद हो तो उनकी खुराक भी सेहतमंद होनी चाहिए और इसके लिए हम सबको प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनानी चाहिए। हम यहाँ पर प्राकृतिक खेती ही को ही प्रमोट कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती की सारी विधियों को अपनाते हैं। इसको जो ज़मीन की जो शक्तिशाली बनाने की जो विधि है उसको हम हर्बल कुनाब जल कहते हैं। तो ये हर्बल कुनाब जल जो है वृक्ष आयुर्वेद आधारित एक बहुत ही सुंदर समन्वय है। इसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों से इसको तैयार किया जाता है ये, और साथ साथ में हम दशपर्णी अर्क जो हम बनाते हैं ये वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए, कीट से रक्षा के लिए, कीट संरक्षण में ये बहुत कारगर साबित होता है, इसको दशपर्णी अर्क कहते हैं। भारत की परंपराओं में भारत की कृषि के साथ साथ गौपालन का अनुनाश्रय संबंध जग जाहिर है। भारत के पारंपरिक किसान सेहतमंद खेती करने के साथ साथ गौ पालन में भी माहिर हैं। बदलते कालखंड में हमने इस ज्ञान को कुछ विस्मृत सा कर दिया है, लेकिन भारत की सरकार ने एक बार फिर कुछ अच्छा करने का अवसर हम सबको प्रदान किया है। साथियों,
एक और माँ है, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है। हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था, इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौ वंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। यहाँ गौ से संबंधित खेती, जिस गौ माता के लिए पूरा संसार, पूरा मतलब भारत देश हमारा अगर ये होता है कि गौ हमारी माता है, धरती हमारी माता है, तो उससे हमें मातृभाव से ही प्रेम करना चाहिए। तो गौ माता हम यहाँ पर रखते हैं तो उनका गोमूत्र से, गोबर से, दही से, दूध से, छाछ से, जो भी मतलब हम यहाँ औषधियाँ बनाते हैं, अपनी नेचुरल जो प्राकृतिक औषधि होती है, तो गौ माता से संबंधित ये खेती करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता है। जैसे हमें पपीता लगाया तो पपीते के अंदर भी हम कई बार सेवन करते हैं कि जैसे गाय का दूध होता है उसके अंदर गुड़ मिला करके उसमें स्प्रे करते हैं तो वो स्वाद जो गाय के दूध में उससे भी 100 गुना स्वाद उस पपीते में मिलता है। हम सभी हमारे किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन और एक आह्वान जैसा करेंगे कि अभी प्राकृतिक खेती की तरफ चलने का समय आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से समाज में एक अजार असार तक का माहौल है, तो ऐसे में किसानों को आगे आने की आवश्यकता है। जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती को अपनाएं, एक सुंदर समाज हम निर्माण करें, एक सुंदर समाज, सुंदर किसान हम तैयार करें, यही भावना के साथ यही इसी चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का जिक्र किया जाए या पिछले कुछ दशकों का जिक्र किया जाए, प्रकृति मनुष्य के क्रूर व्यवहार का शिकार हुई है और हमने ये भी देखा है कि प्रकृति ने फिर मनुष्य के जीवन के साथ में कैसे इसका बदला लिया है। तमाम बड़े बड़े घटनाक्रम इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम प्रकृति के इस कोप को समझें और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मानव समाज का प्रकृति के प्रति जो व्यवहार है वो न केवल संवेदनशील हो बल्कि प्रेम और मोहब्बत वाला हो, ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों से, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रकृति के साथ में भी हम प्रेम करना सीखें। और तपोवन में जिस तरह से खेती की जा रही है, कृषि कार्य किए जा रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण मात्र हो सकता है। आप सभी से निवेदन और आप सभी से आग्रह कि ये जो प्रयोग हो रहा है, इस प्रयोग को न केवल राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में, बल्कि पूरे देश भर में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कृषि से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये बात है प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन की। प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, प्रकृति नहीं रहेगी तो अफसोस हमारा मानव जीवन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।